हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा एड्यू। माय नेम इज़ दीक्षा और ये मेरा चैप्टर है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड होगा। ये मेरा सेकेंड चैप्टर है इंडियन पॉलिटी के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात करी थी फीचर्स यानी कि विशेषताएँ, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारी हमारे संविधान की, भारत संविधान की विशेषताएँ क्या हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होंगे बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको कभी भी नया वीडियो पड़े तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया का जो भी वर्किंग है गवर्नमेंट का, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास किया गया था 26 नवम्बर 1949 में, और 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, उस दिन ये एक्शन में आया था। इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स हैं जिसके 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। आज तक इसमें टोटल 94 अमेंडमेंट्स किए गए हैं, मतलब चेंजेस किए गए हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि रिजिड है बट फ्लेक्सिबल भी है, और फ्लेक्सिबल जब करना होता है तो अमेंडमेंट के थ्रू ही उन्हें चेंज किए जाते हैं। ठीक है, और टोटल 1,17,369 वर्ड्स में कंबाइंड से कंबाइंड किया गया है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो विशेषताएं जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे देशों के संविधान से मिली हैं या उसने उनसे सीखी हैं। तो जब हम लोग लास्ट, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का लास्ट टाइम चल रहा था, तो कुछ लीडर्स थे उस टाइम पे जिन्होंने, जो साथ बैठे और उन्होंने इस संविधान को लिखना या फिर बनाना, इसकी इसको फॉर्मुलेट करना शुरू किया। मोतीलाल नेहरू की मीटिंग की रिकमेंडेशन के हिसाब से एक डिसीजन लिया गया इंटरनेशनल कांग्रेस कराची में, जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की नींव रखी गई, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया, जो कि जिसकी स्थापना 1946 में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए, और इसके साथ साथ जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया। टोटल 166 डेज, विच आप कह सकते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। इसे अडॉप्ट किया 26 नवम्बर 1949 में, और ये अगर आप, कार्यरत कब हुआ ये, 26 जनवरी 1950 में। तो हमारे जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका ये कहना था कि आप, अगर आपको किस चीज का, इसका पूरा अगर आप, मैं उसको शॉर्ट में बताऊं तो उनके कहने का मतलब यही था कि एक, अगर आप, मुझे इस चीज की कोई भी दुख नहीं है, किसी भी चीज का किसी से कुछ मांगने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, बस उसको आप प्लेगरिज्म, यानी कि आप, ऐसा नहीं होता है कि आप उसे कॉपी करें और उसको श्रेय ना दें। ठीक है, कोई भी इंसान किसी भी फंडामेंटल आइडिया का पेटेंट राइट होल्ड नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में जो कि बोरोड फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस का टेन्योर क्या रहेगा, किस तरीके से उन्हें किस कंडीशन पे हटाया जा सकता है और किस कंडीशन पे वो नियुक्त होते हैं, ये सारी चीजें, जुडिशरी, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसको लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक दो तरीके के, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसका आइडिया, रूल ऑफ लॉ, किस तरीके से न्यायपालिका का काम होगा,
लेजिस्लेटिव प्रोसीजर किस तरीके का होता है? जो एकाग्रिक नागरिकता होती है, कैबिनेट सिस्टम है, जो कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारी चीजें, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होंगे, और बाइकैमरलिज्म। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। फिर जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, लाइक कि कोई भी नया नियम कानून बनाने से पहले किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है, ये चीज, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, कैसे कोई मेंबर नॉमिनेट हो रहा है राज्यसभा के लिए, और इलेक्शन, प्रेसिडेंट को कैसे नियुक्त किया जाता है, वो कैसा उसके लिए चुनाव होता है, ये तीनों आइडियाज आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फिर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूएसएसआर, जिसे रशिया के नाम से जानते हैं हम, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल ऑफ जस्टिस यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो प्रीएम्बल में हमारे जो जस्टिस का तरीका बताया गया है, उसकी जो नींव है और फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। फिर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो आपके जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जो जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ये प्रावधान है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, ऐसे टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड यानी कि खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो हमारे संविधान में जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के लिए, अमेंडमेंट कोई जारी करके और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव करने का जो प्रोसीजर है, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर किसी भी मेंबर को राज्यसभा में कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इसका प्रोसीजर भी पूरा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करके बनाया गया है। फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि किस कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पद से, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स के क्या फंक्शंस रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अगर हटाना है तो वो कौन बेसिस पे हटा सकेंगे, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू किस कंडीशन पे देते हैं, न्यायपालिका को आप कहते हैं इंडिपेंडेंस, यानी कि उनको अधिकार है कि न्यायपालिका अपने हिसाब से जो काम करती है, और हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया गया है। फिर जिस पे हमारा सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगा, वो लॉज का जो आइडिया है, वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कि आप ट्रेड कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एंड कॉमर्स और इंटरकोर्स, ये चीजें जो हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। फिर हमारे जो प्रियम्बल में जो आइडियल ऑफ रिपब्लिक हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो आइडियल्स हैं, ये आपके फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तीन जो चार चार फीचर्स हैं, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। तो ये आपके फीचर्स हो गए। अगर आप देखें तो कई सारे देशों, कई सारी चीजों को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, इन सब की जो इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं थी, जो हम इन सब को नजर में रखते हुए हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आपको कोई भी किसी भी चीज की अच्छाई को अपनाने का आपको पूरा हक है, और किसी भी तरीके का कोई जो फीचर है उस पे किसी का पेटेंट राइट नहीं है। तो ये चैप्टर हो गया मेरा बोर्ड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ नाइस डे।